आज की आरोग्य सभा में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण पौधा को लेकर के आए हैं, इस पौधे का नाम है एलोवेरा। इसको हम लोग घृत कुमारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घृत कुमारी। इसके अंदर में जब तोड़ते हैं तो घी जैसा निकला चिकना निकलता है इसमें, इसलिए इसका नाम घृत कुमारी है पड़ा है। ये बहुत ही लाभकारी है, जिनको गैस है, कब्ज है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको जोड़ों में दर्द की बीमारी है, लिकोरिया की बीमारी है, मासिक धर्म की अनियमितताएँ हैं, धातु संबंधी बीमारियां हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त दवाई है ये एलोवेरा। सेवन विधि है, इसको जब मोटा हो जाए पत्ता इसका, तो ऊपर से 3-4 इंच काटते हैं, नीचे छोड़ देते हैं हरा रहने के लिए, और छील करके और इसके गूदा को मुंह में डाल के चबा चबा के निगल जाते हैं, और जो इसका लरलर जो लसलसा भाग होता है चिकना वाला, वो चेहरे पर लगा लेते हैं इसको, तो आपको कील मुहासा दाग धब्बा जिंदगी भर नहीं होगा। अभी एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का क्रीम, एलोवेरा का साबुन, एलोवेरा का पेस्ट, एलोवेरा मिला करके हजारों प्रकार के अभी सामान बन रहे हैं, तो ये बहुत लाभकारी है। ये जब इसका जूस भी बिकता है, विदेशी कंपनियां तो हजारों रुपए लीटर तक बेचती है इसको, पतंजलि इसे 200 रुपए लीटर उपलब्ध करवाता है, तो घर में यदि उपलब्ध है तो खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो आप सभी जो दिव्य आत्माएं यहाँ पर बैठे हैं, इन सभी दिव्य आत्माओं को एक बार हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सभी जो योग आयुर्वेद के प्रति आप अपनी रुचि को रख रहे हैं, जो आप सभी लोग तो आपको मैं एलोवेरा के बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए तो एलोवेरा का सेवन विधि आप लोग समझ गए। इसे कहीं भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें कोई दवा, इसमें कोई अलग से रासायनिक खाद भी डालने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ लगा देंगे लग जाता है। तो आप लोग इसे घर घर में लगाएं, हर घर में एलोवेरा, हर घर में तुलसी, हर घर के दरवाजे पर नीम, हर घर में गिलोय, इतना चीज यदि किसी के पास है तो कभी बीमार वो नहीं पड़ेगा। एलोवेरा, नीम, गिलोय और तुलसी का पौधा जरूर लगा करके आप रखें दरवाजे पर, गमले में भी लगा लें यदि आपके पास जमीन की कमी है तो, गमला में लगा करके छत पे इसको रख दें। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध है गेंदा, उपलब्ध है गेंदा का पत्ता लाओ उधर, तोड़ के उधर जा, तोड़ लो पत्ता, तो पत्ता तो बड़ा सा बका लो, तोड़ लो, तोड़ लो पत्ता, ये क्या चीज़ तोड़ लो, वो बच्चे तोड़ ले आओ ना, रात के तोड़ लो। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये गेंदे का पत्ता है। किसी को यदि बवासीर की बीमारी है, खूनी हो चाहे बादी हो, तो गेंदे के पत्ते का 1 चम्मच रस निकाल करके आप खाली पेट में प्रतिदिन आप 8-10 दिन खिलाते हैं तो बवासीर में बहुत ज़्यादा लाभ देता है ये। साथ ही साथ नागदौन का एक पौधा होता है, हम लेकर के आएंगे एक दिन आपको दिखाएंगे, उसके भी पत्ते का 1-1 चम्मच रस निकाल के यदि आप 10-15 दिन पी लेते हैं तो बवासीर के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। एक रोड किनारे बकायन जिसको जंगली नीम कहते हैं, उसके बीज को कूट करके और 1-1 चम्मच या 1/2 चम्मच आप मट्ठा के साथ लेते हैं, जो मट्ठा होता है दही का, उसके साथ लेंगे तो बवासीर ठीक हो जाता है। दूसरा नारियल जो होता है, जब छिलका उतारते हैं तो गोला के ऊपर में एक दाढ़ी जैसा झोटा जैसा रहता है, उसको जला करके और छान करके मट्ठा के साथ सेवन करते हैं तो बवासीर में बहुत ही लाभकारी होता है। बवासीर से लेकर के हमारे बगल में नीम का पौधा है, किसी को चर्म रोग है, किसी को शुगर की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप 4-4, 5-5 पत्ता आप 1-1.5 महीना तक नीम का पत्ते का सेवन करें खाली पेट में, आपका खून शुद्ध हो जाएगा। आपको जो मधुमेह की बीमारियां उसमें भी लाभकारी हैं। आपके बाह्य रूप में यदि कोई चर्म रोग है तो उसके पत्ते को पीस करके चटनी बना करके थोड़ा मिट्टी मिला करके शुद्ध मिट्टी और शरीर में लेप करके 2 घंटा छोड़ के नहा लें ताजे पानी से, तो चर्म रोग ठीक हो जाता है। किसी को ढील लीक हो गया है बालों में, बेटियां बैठी हैं परेशान होते नोचते रहती है, हैं
किसी को पटा देती है दूसरे के पास, वो भी बेचारा फेरा पड़ जाता है। तो नीम का चटनी पीसिए, थोड़ा सा मिट्टी मिलाइए और बाल में पूरा मालिश करिए, एक घंटा छोड़ दीजिए और उसके बाद धो लीजिए। सप्ताह में दो दिन कर लीजिए, आपका पूरा ढेर जूं लीक सब मर जाता है, बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ साथ में हमारे बीच में है उपलब्ध है, आप देख रहे हैं अशोक का पेड़ है, एक पत्ता तो इसका भी ये अशोक का जो आप पत्ता देख रहे हैं, ये चारों तरफ हर जगह मिलेगा आपको। इससे हम अशोकारिष्ट बनाते हैं, जो माँ बहनों के लिए जो इसके छिलके का जो आपका कढ़ा बना करके पीते हैं, तो माँ बहनों का जो मासिक धर्म की अनियमितताएँ होती हैं, मासिक धर्म की अनियमितताओं को दूर करने के लिए विश्व प्रसिद्ध दवा है अशोकारिष्ट, जो अशोक के पेड़ से ही बनता है। तो ये माँ बहनों के लिए बहुत लाभकारी है। माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, लिकोरिया एक बीमारी है जिससे माँ बहनें परेशान होती हैं, उसको ठीक करने के लिए गांव में जो शीशो का पेड़ होता है शीशम का, उसका सात पत्ता तोड़ करके धो करके और काली मिर्च के साथ थोड़ा सा मिश्री के साथ सेवन करने से प्रतिदिन खाली पेट में लिकोरिया जड़ से समाप्त हो जाता है। लिकोरिया बड़ी खतरनाक, बड़ी कष्टकारी बीमारी है। कमर दर्द होना, मिचली होना, नींद नहीं आना, सर दर्द करना, चक्कर आना, कमजोरी होना, काम करने का मन नहीं करना, थकान होना, नींद ज़्यादा लगना, यानी हजारों प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो लिकोरिया दूर करने का एकमात्र इलाज है शीशम के सात पत्ते को तोड़ना और गर्मी के दिन में सेवन करना है तो केवल मिश्री के साथ में, और जाड़ा का दिन में सेवन करना है तो उसमें थोड़ा सा एक या दो काली मिर्च मिला करके सेवन करेंगे तो आपका लिकोरिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपके बीच में गिलोय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आज पौधा नहीं मेरे पास, कल हम लेकर के आएंगे तो गिलोय के बारे में बताएंगे। इसके बाद में हल्दी के बारे में बता रहे हैं, जाड़े का दिन चल रहा है, हल्दी और तुलसी के बारे में। अभी ज़्यादातर लोग सर्दी से, खांसी से